नमस्कार, कैसे मित्रों, आप सबका स्वागत है इस सत्र के इस प्रथम क्लास में, कक्षा में। हम लोग आज चर्चा करेंगे शिक्षण के बारे में, टीचिंग। व्हाट इज द टीचिंग, टीचिंग होता क्या है, किसे कहते टीचिंग, और टीचिंग के अर्थों के साथ साथ हम टीचिंग को उस अलग अलग एंगल से देखने का प्रयास करेंगे जिसे हम शिक्षण के बारे में सही तरह से समझ सकें। शिक्षण को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी देश और किसी राष्ट्र की जो प्रक्रिया है या किसी राष्ट्र की दिशा धारा है वो वहाँ की शिक्षण पद्धतियों पे आधारित होता है। हम इस वीडियो में शिक्षण क्या है, शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षण के प्रकार और शिक्षण के प्रकार के साथ शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और त्रिमुखी प्रक्रियाओं के साथ साथ हम लोग जानेंगे शिक्षण के स्वरूप और उनकी विशेषताओं के बारे में कि शिक्षण किस प्रकार हमारे व्यक्तित्व को, समाज को, राष्ट्र को प्रभावित करता है। तो मित्रों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और देख करके इसको आप नोट करते चलें ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। ये शिक्षण की विधियाँ आपके यूजीसी नेट, आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं उसके लिए, साथ साथ स्लेट, नेट, जेआरएफ और अन्य प्रकार के एजुकेशन से संबंधित शिक्षाओं के लिए या परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम लोग अपने स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्मार्ट बोर्ड पे से देखने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण, टीचिंग। शिक्षण का सामान्य अर्थ बालक को ज्ञान प्राप्त कराना या तथ्यों का बोध कराना है। सीखने, सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया का शिक्षकों के द्वारा संपन्न कराया जाना ही शिक्षण कहलाता है। यदि इसको हम अन्य शब्दों में समझे तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षता को पहुंचाने का कार्य करता है। किंतु पेंटन ने इसे कहा है कि शिक्षण को कला कहा है। यदि शिक्षण को कला कहा गया है तो इन संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा कि शिक्षक आयाम की जो कुछ भी वर्ग शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी कार्य करता है वह संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षण कला के अंतर्गत आता है। ध्यान से समझें, शिक्षण आयाम के जो कुछ भी वर्ग जिसमें पढ़ने पढ़ाने वाली प्रक्रिया है तो शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे सामूहिक रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में हो, जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने की जो प्रक्रिया है वो कला है। शिक्षण कला का स्वरूप, नेचर ऑफ द आर्ट टीचिंग, इसमें कहा गया है कि शिक्षण कला परिवर्तित होती रहती है। हैगेट महोदय ने कहा है कि द आर्ट ऑफ टीचिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अर्थात शिक्षण सदैव परिवर्तित होती रहती है। अब परिवर्तित होती रहती है, सस्टेनेबल है, इसका मतलब यह है कि इसके तीन स्वरूप में देखा जा सकता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक स्वरूप। प्राचीन काल में रटने रटाने की प्रक्रिया थी, उनका अपना महत्व था। मध्यकालीन अंधकार युग था जिसमें शिक्षण की डिफरेंट विधियां, अलग अलग तरह की तकनीक लोगों ने अपनाया। किंतु आधुनिक जो स्वरूप है ये शिक्षण का वैज्ञानिक स्वरूप है और इस वैज्ञानिक स्वरूप में व्यक्ति शिक्षण की तकनीक कैसे सीखा जाए इसके लिए अन्य कई टेक्निक आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाकर ज्ञान को अर्जित करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है। शिक्षण को समझें,
सही स्वरूप में समझे तो शिक्षण से साधारणतः बालक को शिक्षण के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना समझा जाता है। शिक्षण से तात्पर्य बालक को शिक्षण के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना सिखाया जाता है कि केवल और केवल ये विषयों का ज्ञान प्रदान करना है। लैंडन ने कहा है, इसमें लिखा है कि ज्ञान की प्रस्तुतिकरण की विधि की अपेक्षा शिक्षण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान का प्रस्तुतिकरण केवल ज्ञान को बता देना कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय या फिर 1 + 1 = 2 दैट साल जो तकनीक है उसको केवल विद्यार्थियों तक तो बता देना, तो इससे कहीं अधिक शिक्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण का संबंध कहीं न कहीं हमारे जीवन से रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षण मानव का सदुद्देश्य कार्य है। सदुद्देश्य मतलब उद्देश्य सहित किया जाने वाला कार्य है। इसके द्वारा वह व्यक्तियों के विकास को परिवर्तित, नियंत्रित और निर्देशित करता है। ये तीनों प्रक्रिया का है, विकास को परिवर्तित, नियंत्रित और निर्देशित, ये तीनों को ही स्वरूप प्रदान करता है जिससे जीवन पूर्णतः बदलता है, परिवर्तित होता है। अब अगला क्रम में हम देखें तो शिक्षण का अर्थ क्या होगा, मीनिंग ऑफ द टीचिंग। शिक्षण के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन इसको यदि सही क्रम में एक सुव्यवस्थित क्रम दिया जाए तो सामान्यतः शिक्षण के दो अर्थ हैं, एक व्यापक शिक्षण है और दूसरा है संकुचित शिक्षण को अर्थ के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम व्यापक शिक्षण के रूप में इसे किस प्रकार देख सकते हैं इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। शिक्षण मनुष्य के जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सस्टेनेबल, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती है। यहां पे महत्वपूर्ण बात समझने का है, व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती है। हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं, व्यक्ति का जीवन वो किसी भी स्थिति परिस्थितियों में वो सीखता रहता है। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो माता बच्चे को चलने की शिक्षा देती है, उंगली पकड़ के वे चलाती है। वैसे ही शिक्षक बालक को इतिहास, मैथ्स, आर्ट्स बहुत सारे सब्जेक्ट का शिक्षण देता है। पर शिक्षण यहीं तक सीमित नहीं है। यदि व्यवहार, व्यवसाय या उद्योग के क्षेत्र में व्यक्ति यदि प्रवेश करता है तो व्यक्ति को वहां भी शिक्षण दिया जाता है। यदि हम अपने स्वयं को देखें तो आप भी सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दूसरों को कुछ शिक्षण देते हैं और उनसे शिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। अर्थात इस जो शिक्षण की टेक्निक्स है, तकनीक है, वो सतत चलती रहती है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रियाएं दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ शिक्षण हम देते भी हैं अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने चलने तौर तरीके, बोलने या फिर जो कुछ भी है उससे हम व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, और लोगों से भी हम उसी तकनीक से उसको सीखते भी हैं। यदि शिक्षण को अतः शिक्षण का व्यापक अर्थ में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका से। औपचारिक वह जो स्कूल विश्वविद्यालयों में दिया जाता है, पर यहाँ पे औपचारिक मतलब कोई व्यक्ति आपको समझा सकता है, बता सकता है। अनौपचारिक मतलब बिना बताए, बिना समझाए, बिना कुछ भी किए आप जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं। सार रूप में कह सकते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन और व्यवसाय से, अपने वातावरण से अनुकूलन के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है। यहाँ पे जो व्यापक अर्थ दिया गया है इसमें शिक्षण प्रक्रिया द्वारा हम परिवार से, स्कूल जहाँ भी हम पढ़ते हैं, हमारे मित्र है,
और जहाँ हम लोग खेलते कूदते हैं, अगर आप वगैरह या अपने व्यवसाय क्षेत्र है या आसपास के हमारे वातावरण है, यहाँ से हम कुछ न कुछ शिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। इस दृष्टिकोण से ये हमारा व्यापक दृष्टिकोण है, जो हमारे आसपास वातावरण कहीं से भी हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है संकुचित, यदि अर्थ में शिक्षण को लिया जाए, नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग, तो इसमें शिक्षण के औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है केवल। जबकि पहला नंबर जो बताया था, जो व्यापक पक्ष है, उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का प्रयोग है। यहाँ ओनली फॉर इज ए फॉर्मल। इसमें बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण मानते हैं। यह शिक्षण पूर्व नियोजित नियंत्रित होता है तथा विद्यार्थियों को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण है इसमें। जबकि व्यापक में है कि जन्म से मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं, किसी न किसी रूप में हम सीखते हैं। बट यहाँ पे एक पूर्व नियोजित योजनाएं हैं, इसमें नियंत्रित होती है, नियंत्रण की तकनीक है, विद्यार्थियों को कुछ निश्चित वर्षों तक दिया जाता है। इस प्रकार किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण इस पर अवश्य होता है। तो संकुचित अर्थों में जो स्वरूप जो दिया गया है, वे आपका जो हमारे विद्यालय या विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई जाने वाली प्रक्रिया है, इसके रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित समय तक निश्चित बात का शिक्षण दिया जाता है। और ये होता कहाँ पे है? स्कूलों में, विद्यालय, विश्वविद्यालय, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इन शिक्षण संस्थानों में इन्हीं बात की शिक्षा दी जाती है, जो कि संकुचित अर्थों में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। अगर इसी को थोड़ा से आगे चलें तो शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया है, अ ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये तीन इसके पक्ष है जो शिक्षण को चलाने वाली है। इस शिक्षण को चलाने तीन प्रक्रिया कौन कौन से? जॉन डेवी के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। उसी को राय वर्ण ने समर्थन किया है, इन्होंने भी कहा कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी है, इसके तीन ध्रुव है, गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक व सदुद्देश्य। गतिशील भी है, अंतर प्रेरित करने वाला है और उद्देश्य के साथ चलने वाला है। रायबर्ण के शब्दों में कहा जाए, शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु है। पहला शिक्षक है, दूसरा बालक यानी कि छात्र विद्यार्थी, और तीसरा नंबर है विद्यार्थी। इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध को ही शिक्षण कहा गया है। इन तीनों में जब सहसंबंध स्थापित होता है तो भी उसको शिक्षण कह सकते हैं। दिनों में से एक को भी बाहर निकाल दिया तो शिक्षण नहीं, कुछ और हो सकता है। ये तो हमें समझना पड़ेगा शिक्षण की प्रक्रियाओं को। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो शिक्षक राम को इतिहास पढ़ाता है, द टीचर टीचेस हिस्ट्री टू राम। इस शब्द में तीन संज्ञाओं में संबंध व्यक्त किया गया है। तीन संज्ञा कौन कौन से हैं इसमें? एक इन संज्ञाओं में दो का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में है, और एक व्यक्ति को संबोधित किया गया है, और एक का विषय के रूप में हुआ है। तो तीन संज्ञा है, इंडिकेट कर रहा है। तो दो जो है, जो पर्टिकुलर जो किसी व्यक्ति को व्यक्त कर रहा है, वो है शिक्षक और विद्यार्थी, जो संबंध स्थापित किया गया है। अब इन दोनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और एक का विषय, विषय मतलब हमारा पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय वस्तु के रूप में से किया गया है। इसी को यदि विशेष तौर से देखा जाए एग्जाम के दृष्टि से, यूजीसी नेट हो या टीईटी हो, सीएटी हो, या बहुत सारे जितने भी एजुकेशन की जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण है कि शिक्षण की ये वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग, ये शिक्षण की ये तीन महत्वपूर्ण वेरिएबल है। स्वतंत्र चर, इसे अन्य शब्दों में कहते हैं, दूसरा आश्रित चर, और तीसरा है मध्यस्थ चर। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। स्वतंत्र चर के अंतर्गत शिक्षक को लिया गया है क्योंकि ये स्वतंत्र है। दूसरा है छात्र, आश्रित चर है, और तीसरा है
मध्यस्थ के अंतर्गत हम पाठ्य वस्तु शिक्षण प्रवृत्तियों को लिए गया। पहले चर्चा करते हैं कि स्वतंत्र चर के बारे में। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को स्वतंत्र चर की संज्ञा दी गई है। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में रखकर विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का उत्तरदायित्व शिक्षक का ही होता है। क्योंकि शिक्षक स्वतंत्र है, हमें समझना पड़ेगा, इस प्रक्रिया में छात्र की अपेक्षा शिक्षक बिल्कुल स्वतंत्र है। वह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है, विद्यार्थी उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, शिक्षक के शिक्षण के अनुकूल ही अपने आप को ढालता है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन शिक्षक छात्र रूप में करता है। वह शिक्षण प्रक्रिया का इस प्रकार नियोजन और आयोजन करता है ताकि शैक्षणिक उद्देश्यों का अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके और विद्यार्थियों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया जा सके। कुल मिलाकर के शिक्षक स्वतंत्र है, विद्यार्थियों का निर्माण करता है, विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। दूसरा आश्रित चल है, डिपेंडेंट है। कौन किस पर आश्रित है? छात्र शिक्षक पर आश्रित है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर माना गया है क्योंकि शिक्षण नियोजन व्यवस्था तथा प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे क्रियाशील रहना पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया में जिस चीज में परिवर्तन होता है वह विद्यार्थी और उसके व्यवहार होता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, विद्यार्थी और उसका व्यवहार दोनों में परिवर्तन करना, और ये परिवर्तन के लिए जिस प्रकार का शिक्षक प्रयत्न करेगा वैसा ही विद्यार्थी में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में छात्र या छात्र का व्यवहार शिक्षक और उसके शिक्षण पर आश्रित है, अतः छात्र को आश्रित चर कहा जा सकता है क्योंकि सारे कार्यों के लिए सभी तकनीकों के लिए विद्यार्थी शिक्षक पर आश्रित है। तीसरा है मध्यस्थ चर। अध्यापक और विद्यार्थी के अतिरिक्त कुछ और भी तत्व हैं जो प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन विधियां आदि बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। इससे मध्यस्थ चर कहते हैं। मीडिएटर चर, अन्य शब्द में मीडिएटर का अर्थ है मध्य है, बीच का है। इस मध्यस्थ चरों को नियंत्रण में रखने में छात्रों के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। इन मध्यस्थ चरों के उचित प्रयोग द्वारा ही शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से पूर्ण रूप से पूरा किया जा सकता है, अर्थात शिक्षक भी इन्हीं मध्यस्थ के माध्यम से, पाठ्य वस्तु के माध्यम से, शिक्षण प्रविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाता है, पढ़ाता है। इसलिए मध्यस्थ चर है हमारे लिए। ये इन तीनों में जो जिस प्रकार का ट्रेंगल स्वरूप बनता हमारे सामने, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी है हमारा, ये पाठ्य वस्तु है और शिक्षार्थी शिक्षक, इन तीनों का एक ट्रेंगल क्रम बना हुआ है। इन तीनों का संयुक्त स्वरूप को देखा जाए तो वही महत्वपूर्ण हमारे शिक्षण है और शिक्षण की तकनीक है जिसे मूलकर शिक्षण प्रक्रियाएं पूर्ण होती है। शिक्षण की परिभाषा यदि देखा जाए, इसको परिभाषित करें तो अलग अलग विद्वानों ने के अलग अलग मत है इसमें। सबसे पहले हम लोग लेते हैं डम्बरी। शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षण कि शिक्षक कुछ जानता है और उसे छात्रों को बताता है। यहाँ पे शिक्षक जो जानता है वह बताता है, अर्थात जीवन में जो शिक्षक ने सीखा है, व्यवहार में जो अनुभव किया है, उस अनुभव को शिक्षक छात्र को बताता है और उस बताने के लिए जो तकनीक जो प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण की विधियाँ हैं। शिक्षण की अलग अलग विधियों से उसे विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। दूसरा नंबर है रायवर्ण। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देता है। महत्वपूर्ण परिभाषा आई है।
रायबर ने जो बात कही है कि ये विद्यार्थियों के पोटेंशियल पावर को विकसित करने की बात कही गई यहाँ पे। विद्यार्थियों के अंदर छिपे हुए जो उनकी शक्ति है, उसकी पोटेंशियल पावर है, उसे बाहर निकालना, केवल उसे ज्ञान नहीं देना, उन्हें किसी प्रकार लेक्चर नहीं देना, बल्कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की शक्ति को, उनकी सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो रायबर ने जो परिभाषा दी है ये शिक्षण की तकनीक के लिए। नंबर तीसरा है बर्टन, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। इसमें अलग अलग बात कही गई है, प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन है, पथ निर्देशन है और प्रोत्साहन है। शिक्षक तीन ये सारे कार्य एक साथ करता है, प्रेरित भी करता है, पथ प्रदर्शन करता है कहाँ करना है कहाँ जाना है, दिख रास्ता दिखाता है और प्रोत्साहित करता है, तभी शिक्षण की प्रक्रियाएं पूरी होती है। अगर ये प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन न हो तो समझिए वहाँ पे शिक्षण नहीं है, वहाँ कुछ और प्रक्रियाएं हो रही हैं, बच्चे नहीं सीख पाएंगे, उसमें उसका ज्ञान विकसित नहीं हो सकेगा। नंबर चौथा, योका व सिम्पसन, इन्होंने जो बात कही महत्वपूर्ण है, शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य, अपरिपक्व और छोटे सदस्य का जीवन के अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। यहाँ दिया गया है शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य, समूह के अनुभवी सदस्य का मतलब है ऐसा समूह, शिक्षक वर्ग कह सकते हैं हम, अपरिपक्व और छोटे सदस्यों के जीवन के अनुकूलन करने में, अर्थात अन्य व्यक्तियों को जो समाज में हैं उन्हें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज राष्ट्र को विकसित करने के लिए वे अनुकूलन, जो उसके अनुकूल हो सकता है उस अनुकूलन के अकॉर्डिंग उसे पथ प्रदर्शन करता है। यह प्रक्रिया जो है शिक्षण है, आगे बढ़ाता है उसे, विकसित करता है। वही बात जो पहले बात कही गई है, उनके पोटेंशियल पावर को विकसित करना, मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। तो ये प्रक्रियाएं शिक्षण की तकनीक है और इस तकनीक को हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए। पांचवा नंबर गेज महोदय का है, इन्होंने बात कही कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा इन्होंने। अर्थात शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, हम एक दूसरे को क्या है जीवन को देखते हैं, सीखते हैं, अनुभव से जानते हैं, ये सारे तकनीक आपस में शिक्षण के रूप में देख सकते हैं। नंबर छठा नंबर जो है जेम्स एस थाइन, इन्होंने जो बात कही है सार रूप में, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है, केवल केवल जिंदगी में सीखते कर सीखते रहने के लिए। जीवन में सीखे हम लोग, जितना हम लोग सीख सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, किसी से भी, किसी के व्यवहार से, जीवन से, जाने समझे। हमारे इतिहास बहुत सारे उदाहरण हैं, महर्षि दत्तात्रेय जीवन के कई विषय वस्तुओं से, प्राणियों से, जीव जंतुओं सीखते रहे, उनके 24 गुरु थे। तो शिक्षण की प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, ये चलने वाली प्रक्रिया, इसी को शिक्षण कहा गया है, यही शिक्षण है। शिक्षण का स्वरूप या उद्देश्य को देखा जाए अगले बिंदु में, हम परिभाषा के बाद, तो शिक्षण संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करता है, हमने पहले ही बताया था किससे संबंध स्थापित करता है, शिक्षक का छात्र से, और दोनों को संबंध स्थापित करता है वो हमारे पाठ्य वस्तु है। सूचना देना है, दूसरा नंबर है सूचना देना, काहे का सूचना देना, ज्ञान का, समाज का, उनके जीवन का, जीवन के उद्देश्यों का, बहुत सारे चीज पक्ष है। सिखाना है, वो सिखाता है, उसे चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, समाज में रहना सिखाता है। तो शिक्षण के माध्यम से बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हम लोग कर सकते हैं, वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता करता है, अनुकूलन मतलब एडजस्टमेंट,
हम समाज में कैसे रह सकते हैं, समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी प्रक्रिया शिक्षण के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। शिक्षण मार्ग प्रदर्शक है, मार्ग प्रदर्शन करता है शिक्षण के द्वारा व्यक्ति को हम आगे बढ़ाते हैं। छठा नंबर है, शिक्षण प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और सातवां नंबर, शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है। संवेग मीन्स हमारा इमोशंस, हमारी भावनाओं का भी प्रशिक्षण देता है। इससे हम अधिक तरह से, अच्छी तरह से अपने अंदर के इमोशंस को, भावनाओं को हम प्रशिक्षित करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। कई परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षण क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करना है। आठवां नंबर जो बात कही, शिक्षण क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करना है, अवसर देता है। क्रियाशीलता मतलब कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, ये हमारे लिए एक अवसर बनकर अवसर प्रदान करता है, और जो अवसर को पहचानता है वो आगे बढ़ता है। नाइन नंबर, शिक्षण सीखने का संगठन है। शिक्षण शिक्षक के द्वारा दिया जाता है और वो सीखता रहता है, एक ऐसा समूह होता है जिसे व्यक्ति सीखता ही रहता है। दसवां नंबर है, टेन नंबर जो दिया गया है, शिक्षण तैयारी का साधन है। हम लोग तैयारी करते हैं और तैयार होते हैं आगे कुछ करने के लिए, कुछ होने के लिए, कुछ बनने के लिए। अपने आप की मनस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, सभी रूप में हम लोग क्या है, तैयार होते हैं। शिक्षण की जो बात हम कह रहे थे, इसमें निष्कर्ष रूप में आधुनिक युग में शिक्षण का अर्थ अत्यधिक और विस्तृत और व्यापक रूप में इसे देखा जा सकता है। शिक्षण द्वारा बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है, सीखने में सहायता दी जाती है, कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षण द्वारा अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित की जाती है, निष्कर्ष कहा जा सकता है। अपने वातावरण से अनुकूलन करना सिखाया जाता है और भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दोनों का कार्य सम्मिलित रहता है। इसमें न केवल सर्वोत्तम विधि से ज्ञान प्रदान करने की मानसिक प्रभाव, अपितु वह नैतिक प्रभाव भी सम्मिलित होता है, जिससे प्रेरित होकर बालक ज्ञान का प्रयोग इस प्रकार करता है कि वह उससे लाभान्वित होता रहता है, जीवन में अपने आप को अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करता रहता है। अंतिम निष्कर्षता, लैंडन के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षण का तात्पर्य है बालक को विषय सामग्री प्रदान करना और उसे ज्ञान, मानसिक शक्ति और नैतिक बल में विकास करने के लिए सर्वोत्तम प्रभावों के अंतर्गत रखना ही शिक्षण है। कुल मिलाकर के शिक्षण के द्वारा हम व्यक्ति की ज्ञान, मानसिक शक्ति और नैतिक बल को भी विकसित कर सकते हैं। थैंक यू। निश्चित तौर से आपको जो टीचिंग, शिक्षण की प्रक्रिया है, ये समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में पुनः फिर से आपसे मिलेंगे। इसमें शिक्षण के साथ साथ लर्निंग और शिक्षण और अधिगम दोनों के संबंधों के बारे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।